Hello children, today we are going to start chapter 5, that is birds and their nest. In this chapter, बच्चों हम ये जानेंगे कि किस प्रकार bird अपना nest build करते हैं और इनके जो nest होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. All of us need shelter, we build house to live. यानी हम सभी को एक shelter की आवश्यकता होती है, यानी घर की आवश्यकता होती है. ठीक वैसे ही सभी जीव जंतुओं को घर की आवश्यकता होती है. तो आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बर्ड्स आल्सो नीड सम प्लेस टू लिव. मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन विच दे लिव एंड ले देयर एग्स. यानी पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है और अधिकतर पक्षियां अपने घोंसले बनाती हैं और उसमें ही अंडे देती हैं. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ nest in different ways. The first topic is why do bird build nest. Birds build nest to have a place to lay eggs. Chidiya ghonsla kyun banati hai? To lay their eggs. Birds build nest to protect and feed their babies until they are ready to fly. Birds build nest to hatch their eggs and bird build nest to give shelter to their young ones. यानी बच्चों पक्षियाँ जो होती हैं यानी बर्ड्स जो होते हैं वो अपना शेल्टर क्यों बनाते हैं, नेस्ट क्यों बनाते हैं? बिकॉज टू ले एग्स, टू प्रोटेक्ट देयर यंग बेबीज एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड प्रे. व्हेन डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. यानी बर्ड्स नेस्ट क्यों कब बनाते हैं? इन इंडिया बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी मार्च. Thus, the birds build their nest before start of summer and rain. यानी भारत में जो है, इतनी तो इंग्लिश आप बच्चों समझ ही पा रहे होंगे. इंडिया में जो बर्ड्स होते हैं नेस्ट मोस्टली कौन से मंथ में बनाते हैं? फरवरी और मार्च में. Thus, the birds build their nest before the start of summer. यानी समर के स्टार्ट होने से पहले. Where do birds build their nest? Birds जो होते हैं अपना nest कब कहाँ पे बनाते हैं? Birds make their nest in the place which are safe from enemies, bad weather. Build nest their nest to close to place where they can easily get food. यानी ये अपना घोंसला वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे ये अपने enemies से सुरक्षित महसूस करते हैं और जहाँ से इनको आसानी से पास से ही भोजन की प्राप्ति हो जाए. मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्री, ब्रोकन वॉल्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, स्काईलाइट्स, वेंटिलेटर्स एंड सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ फैंस विच आर नॉट इन यूज़. आपने देखा होगा बच्चों चिड़ियों का जो घोंसला है कहीं भी आपको दिख जाता है, घर में, टूटे फूटे घर में, या खाली जो बिल्डिंग है, या वेंटिलेटर जो लगी हुई, जाली वगैरह जो लगी होती है उस पे आपको चिड़िया का घोंसला दिख जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ और बर्ड्स यूज़ ग्रास. बर्ड्स जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे कि दे यूज़ ग्रास, ड्राई लीव्स, फेदर्स, ट्विग्स, पेपर, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, कॉटन, वुल एक्सेट्रा. इट इज़ फन टू वॉच देम कैरिंग सम मटीरियल्स इन देयर बीक. आपने देखा होगा बच्चों जब ये चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो आपने देखा होगा चिड़िया जो होती है वो अपने चोंच में कुछ दबा के ले जाती है, तिनका ले जाती है, पुआल ले जाती है और इसको कलेक्ट करके वो अपना घोंसला बनाती है. और इनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, यानी बहुत ही सुंदर दिखता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. नेस्ट ऑफ स्पैरो, आप यहाँ देख सकते हो बेटा, नेस्ट ऑफ स्पैरो एंड नेस्ट ऑफ पिजन. पिजन जानते हो ना? स्पैरो एंड पिजन मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, विंडोज, वेंटिलेटर्स ऑफ द हाउस एंड द अदर सेफर प्लेसेस. दे यूज बिट ऑफ स्ट्रॉ, ग्रास, लीव्स, पीस ऑफ क्लोथ, कॉटन, थ्रेड, फेदर एक्सेट्रा. नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड, आपने टेलर बर्ड का नाम सुना है ना?
वो क्या करती हैं, स्टिच करती हैं। द टेलर बर्ड यूज लार्ज लीव्स टू मेक देयर नेस्ट, ये बड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करती हैं। इट यूजेस इट शार्प बीक लाइक अ नीडल स्यू द लीव्स टूगेदर विद द थ्रेड। ये क्या करती है, जिस प्रकार हम धागे से कपड़े को सिलते हैं, ठीक वैसे ही बड़ी पत्तियों को लेकर उनको सील देती है अपने नुकीले बीक से। दे यूज्ड मोस्टली मॉस कॉटन वुल ड्राइड ग्रास टू कीप इट वार्म, और अपने घोंसले में ये सब ड्राइड घास वुल ये सब रखती है ताकि उनका घोंसला गर्म रहे। दिस मेक द नेस्ट कोजी एंड कम्फर्टेबल, ये सब रखने से उनका जो घोंसला है वो बहुत ही कोजी यानी बहुत ही कम्फर्टेबल आरामदायक गद्देदार बन जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेस्ट ऑफ वीवर बर्ड, यू कैन सी इन द फिगर, आपने ऐसा घोंसला देखा भी होगा। वीवर बर्ड जो होती है, बर्ड एक्ट्स लाइक अ वीवर इन द मेकिंग इट्स नेस्ट, ये बिल्कुल वीवर की तरह यानी बुनकर की तरह अपना घोंसला बुनती है। टुगेदर फाइन स्ट्रिप्स ऑफ पाम, फाइन स्ट्रिप्स यानी पतले पतले स्ट्रिप्स लेती है पाम के, खजूर के, बनाना लीव्स, ग्रास। द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और ये अपना घोंसला को ट्री के ब्रांच से लटका देती हैं। देयर इज एन ओपनिंग ऑफ अ बर्ड टू गो इन एंड कम आउट, हिलाओ सॉरी चिल्ड्रन। नेस्ट ऑफ वुडपेकर, वुडपेकर तो जानते हैं बेटा कठफोड़वा, ये क्या करते हैं अपने चीजल बीक से पेड़ के ट्रंक में होल बनाते हैं। वुडपेकर मेक्स इट्स नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ ट्री, इट्स मेक अ होल इन द बार्क ऑफ द ट्री विद इट्स शार्प एंड हार्ड बीक। द हॉलो स्पेस इज लाइंड विद द चिप्स ऑफ वुड, अब ये जो खोखला जो बन जाता है गड्ढा पेड़ के ट्रंक में, तो इसमें वो लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स को रखती है ताकि उसका जो घोंसला है वो आरामदायक हो जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेस्ट ऑफ बुलबुल, यू कैन सी हियर इन द फिगर। द बुलबुल मेक्स इट्स नेस्ट विद ड्राई ग्रास हेजेस एंड बुशेस, इट नेस्ट इज लाइक अ डीप कप, इसका जो नेस्ट होता है बिल्कुल डीप कप की तरह होता है। द एग्स एंड द यंग बर्ड्स डू नॉट फॉल आउट ऑफ इट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेस्ट ऑफ वल्चर, वल्चर का जो घोंसला, वल्चर तो जानते हो बेटा गिद्ध, वल्चर मेक बिग नेस्ट ऑन द टॉल ट्रीज विद द स्टिक्स, वो स्टिक्स के डंडियों से, सूखी डंडियों से वो अपना घोंसला बनाती है। द नेस्ट ऑफ अ वल्चर लुक्स लाइक अ शैलो कप, इनका जो घोंसला है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, इनका छिछला होता है हल्का सा। नेस्ट ऑफ पेंगुइन्स, आपने तो पेंगुइन्स का नाम सुना होगा, इट इज़ वेरी स्वीट बर्ड, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। पेंगुइन्स डू नॉट वर्क हार्ड मेक देयर नेस्ट, यानी ये अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। दे कलेक्ट द फ्यू पीबल्स, वो गिट्टी, बड़े बड़े पत्थरों की जो गिट्टियाँ होती हैं बॉल्स को इकट्ठा करते हैं। बोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द, और हड्डियाँ जो होती हैं सी में से जो सूखी हड्डियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके वो ग्राउंड पे ही अपना नेस्ट बनाती है। एज यू सी कैन, यू कैन सी इन द फिगर। नेस्ट ऑफ पैट्रीज, पैट्रीज जानते हो बेटा, पैट्रीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तीतर। पैट्रीज एंड डक्स मेक देयर नेस्ट ऑन द डिग होल्स इन द ग्राउंड, ये जो दोनों बर्ड्स होते हैं ये अपना अंडा ग्राउंड पे ही होल बनाकर देते हैं। देयर बीक्स फीट टू मेक देयर नेस्ट एंड दे पुट सम ग्रास, और उसमें वो गड्ढा बना के थोड़ा सा ग्रास डाल देते हैं और उस अपने नेस्ट को कोजी बनाते हैं। कोजी मतलब मीन्स आरामदायक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेस्ट ऑफ आउल, एंड आउल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द हॉलो ऑफ द ट्री, यानी ये पेड़ के खोखड़ा, आपने सुना होगा ना खोखल जो होता है, हॉलो ट्री ऑफ, हॉलो ऑफ अ ट्री वॉल इफ ऑफन चूजन एन ओल्ड बिल्डिंग फॉर मेकिंग द इट्स नेस्ट, या फिर ये बहुत ही पुराने बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं नेस्ट बनाने के लिए जिस पे कोई नहीं रहता है। द नेस्ट इज लाइंड विद द ग्रास एंड फेदर्स, और उस नेस्ट को ग्रास और फेदर्स से भर देते हैं ताकि आरामदायक हो जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेस्ट ऑफ कोयल और कुकू, द कोयल इज अ लेजी बर्ड बट क्लेवर, इट डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, आपने कोयल के बारे में तो सुना ही होगा बेटा। कोयल जो होती है बहुत ही लेजी होती है और ये बहुत चालाक भी होती है। इट डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट,
ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, इट ले इट्स एग्स इन द क्रो नेस्ट, वो अपने अंडे कौए के घोंसले में ही देती है। द मदर क्रो हैचेस देम एज हर ओन एग, और मदर जो क्रो होती है उसे लगता है कि वो उसी का अंडा है और उसे ही वो हैच करती है। शी ऑल्सो फिट बेबीज, और अपने बच्चों के साथ साथ उनके बेबीज की भी फिटिंग करती है और उनका केयर करती है। विथ हर ओन बिकॉज दे लुक क्वाइट अलाइक, क्योंकि उनके बच्चे भी सेम कौवे के बच्चे की तरह ही दिखते हैं। सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लिसन इट केयरफुली। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट केयरिंग ऑफ यंग बर्ड्स, हाउ डू बर्ड्स केयर देयर यंग वंस। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज योर चैप्टर 5, ओके, थैंक यू।